पश्चिम में बीडी कल्ला को टिकट दिया, विरोध के सुर प्रारंभ हो चुके हैं, लोगों में नारेबाजी लग रही है, बीडी कल्ला मुर्दाबाद। हमारे साथ में राजकुमार केराडू है, राजस्थान सरकार में उपाध्यक्ष भी है बोर्ड में। किरण साहब, क्या हुआ, खेला आपके सामने है। पार्टी ने लगातार 43 साल से एक ही व्यक्ति पर विश्वास किया है, उससे मेरी नाराजगी है और मैं कांग्रेस पार्टी के जो मैं पद पर हूँ उसे मैंने इस्तीफा दिया है। कौन कौन से पद इस्तीफा दिया? मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और विप्र कल्याण बोर्ड का राजस्थान सरकार में सदस्य हूँ। मैं दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे कांग्रेस कमजोर होगी क्या, बीडी कल्ला को चुनौती देने के लिए? बिल्कुल इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय था वो मुझे स्वीकार नहीं है और मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पार्टी को ढोऊं, इसलिए मैंने इसे इस्तीफा दे दिया। बीडी कल्ला ने पिछली बार भी टिकट कटा दिया था गहलोत का, उसके बाद में वापस टिकट लेकर आ गए थे, इस बार क्या लगता है आप टिकट कटवा पाएंगे? मैं टिकट कटाने का मेरा कोई प्रयास नहीं है, पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया वो जाने और पार्टी जाने। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ इस निर्णय पे नहीं हूँ। 2023 के चुनाव में किसके लिए वोट मांगेंगे राजकुमार केराडू? वो दो तीन दिन बाद मेरे सभी जो साथी गण हैं उनसे संवाद करके उनका जो निर्णय होगा, क्योंकि मैं लोगों द्वारा बनाया गया एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तो मेरे जीवन में जो भी मैं निर्णय लेता हूं उन सभी से राय लेकर के, आज भी आप देख रहे हैं सब ने हमसे पहले राय ली है, उसके बाद मैंने निर्णय लिया, वो आगे भी वही निर्णय उनसे राय लेकर के करेंगे। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोटों को लेकर के, गलत तरीके से नाम जोड़े गए वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट वाला जो मामला था आप दोबारा उसको समझ लें, हमने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 2023 को, वोटर लिस्ट पब्लिश हो करके जनता के लिए उपलब्ध हुई। हमने उसकी कॉपियां निकाल करके घर घर जा करके सर्वे किया तो आश्चर्यजनक आंकड़ा हमारे सामने आया, 13,346 जो लोग हैं वो 30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और पहली बार 2023 में मतदान करेंगे विधानसभा चुनाव में बीकानेर पश्चिम में। ये एक आंकड़ा जो था मेरे समझ में नहीं आया, तब मैंने इसके ऊपर एक्सरसाइज की, हमने निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग निर्णय क्या निकला वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।